बिना प्याज लहसुन के आज हम एक सिंपल सा सब्जी बना के तैयार करेंगे ये कली फ्लावर और कैप्सिकम से बनी हुई सब्जी इसमें बहुत कम तेल का हम यूज़ करेंगे जैसे कि जिस दिन हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उस दिन इस तरह की हेल्दी सब्जी हम बना के खा सकते हैं बनाने के लिए आसानी और बहुत कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है चलिए रेसिपी शुरू करते हैं पहले कढ़ाई को गरम कर लेंगे उसमें हम तेल ले लेंगे मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ एक चम्मच ले लिया रिफाइंड ऑयल इस तरह की कढ़ाई में अगर हम कुक करते हैं तो हमको कम तेल लगता है जीरा आधा टी स्पून ले लिया उसके साथ राई ले लेंगे आधा टी स्पून अभी हम तेल में आधा टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे ऐसे तो सब्ज़ी डालने के बाद भी उसके ऊपर आप हल्दी पाउडर डाल सकते हो फ्लेम को स्लो करके हल्दी पाउडर डालना है नहीं तो हल्दी पाउडर जल के उसका कलर फिका हो जाएगा 500 ग्राम कलीफ्लावर और उसके साथ दो मीडियम साइज कैप्सिकम को मैंने कट करके रखा था उसको मैंने डाल दिए अब अभी इसके साथ ले लेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक एक टी अदरक डालना जरूरी है अदरक की वजह से ही इसका जो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है नमक सारे चीज़ को मिला देंगे अच्छे से नमक आप आपकी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा बिना कोटिंग वाला कढ़ाई अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा तेल लगता है तो कम तेल में अगर आपको बनाना है तो इस तरीके का कढ़ाई का जरूर यूज़ करें अच्छी तरीके से मिला देंगे जैसे कि कालीफ्लावर और कैप्सिकम के ऊपर हल्दी का एक एक कोटिंग आ जाए सारे चीज़ अभी मिक्स हो चुका है स्लो मीडियम फ्लेम में दो से तीन मिनट तक इसको कुक होने देंगे और बीच में एक बार इसको मिला देंगे ताकि नीचे से जल ना जाए तीन मिनट के ऊपर हो चुका है एक बार बीच में मैंने इसको मिलाया था अब देख सकते हो इसका क्वांटिटी भी कम हो चुका है और आधा ही कुक हो चुका है कलर भी बहुत बढ़िया आया है सूखा मसाला बिना प्याज लहसुन वाला आप कोई भी इसमें डाल सकते हो आपकी टेस्ट के हिसाब से ज़्यादातर सांभर मसाला में प्याज लहसुन नहीं होता है इसलिए एक टेबल स्पून मैंने ये ऐड किया है सांभर मसाला इसको डालने से ये जो सब्ज़ी है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा सारे चीज़ को फिर से एक बार मिक्स कर देंगे और दो मिनट के लिए इसको कवर करके कुक करेंगे और इस टाइप जो सब्ज़ी आप बनाते हो सूखा सब्ज़ी उसको ज़्यादा कुक ना करें हल्का अगर ये क्रंची रहेगा तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा फिर से एक बार कवर कर लेंगे और दो मिनट तक कुक होने देंगे स्लो मीडियम फ्लेम में अभी हम चेक करेंगे सब्ज़ी अच्छे से कुक हो चुका है सारे चीज़ को एक बार मिला देंगे आपने देखा कितना कम तेल मसाला में हमने इसको बना के तैयार किया है और सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं किया है और थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे इसमें कटी हुई धनिया के पत्ते को फ्लेम को मैंने बंद कर दी है सारे चीज़ को एक बार मिला देंगे एक प्लेट में हम सब्जी को ले लेंगे ये जो सब्जी है खाने के लिए तो टेस्टी है आप इसके साथ दाल चावल भी खा सकते हो पूरी हो रोटी हो या कोई भी पराठा हो इसके साथ अच्छे से जाएगा गरम अगर आप इसको सर्व करते हो तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतर रहता है ये रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन से कमेंट सेक्शन में शेयर करें इस तरीके की बहुत सारे नई नही नई हिंदी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा